टी टी वन से टी टू, हम लोग पास एक ग्राम हीलियम है, उसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना कहा टी वन से टी टू करना है, तो उस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बेसिकली मुझे कितना हीट चाहिए। देखो हीट गिवन, अगर कोई गैस है और मैं उसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, कोई गैस है अगर मैं उसको हीट एनर्जी दे रहा हूँ, तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा की इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है, सबको पता है। तो सी वी इज इक्वल टू होता है एफ आर बाई टू, वन मोल ऑफ गैस है, देखो वन मोल ऑफ गैस है, वन ग्राम इज इक्वल टू वन सी सी, तो वन वन नहीं नहीं वन नंबर ऑफ मोल मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास हीलियम का, तो मास वन ग्राम हो गया, हीलियम एच टू मॉलिक्यूलर मास फोर हो गया, तो यह आ जाएगा वन बाई फोर। और सी बी, सी बी कहाँ से निकालें हम, तो सी बी एफ आर बाई टू, हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है, तो एफ आर की वैल्यू जो है वो थ्री थ्री बाई टू आ जाएगी, थ्री आर बाई टू आ जाएगा एफ आर, दिस इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये आ जाएगा थ्री आर बाई टू, हीलियम मोनोटॉमिक है। चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, टी टू माइनस टी वन, तो ये तो आसान है, ये सोल्यूशन है, बेसिकली थ्री आर अपॉन एट टी टू माइनस टी वन, क्या ये सही है। अरे बाप रे बाप, अभी आर को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, आर को भी वैल्यू रखना, आर इज इक्वल टू होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट और एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, तो कोई बात नहीं रख देते हैं, रखने में हमें क्या दिक्कत है, अगर फार्मूला हमें याद है तो एवोगैड्रो नंबर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट और टी टू माइनस टी वन, दिस इज द हीट एनर्जी डेल्टा क्यू, तो देख लो थ्री आई एट एन बी टी टू माइनस टी वन, दैट इज सी ऑप्शन सही है।